everyone. Hello everyone. This is me Pooja and you are with MotherWorld. The world there is your all access solution. Yes, before I going to start, yes, we all know the days are started. February, it is all about the dates. But yes, today that is the 8th of फैब दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर जो भी अगर आप कॉफी पीते हैं तो मुझे लगता है कभी ना कभी आपने ये जरूर सुना होगा अपने बड़ों से या अपने रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर से कि ज्यादा कॉफी नहीं कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज इट कंटेन्स लिटिल बिट ऑफ कैफीन. और कैफीन हमारे लिए, मुझे लगता है कैफीन अगर आप नहीं जानते तो एक बार गूगल में जरूर सर्च करिए कैफीन आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक होता है. विदाउट अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप कैफीन कंज्यूम करते हैं या आपकी बॉडी के लिए, यस, मेंटल रिलैक्स देता है बिकॉज मैं खुद साइंस के स्टूडेंट हूँ और मैंने कैफीन के बारे में, बिकॉज एज अगर हम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं किसी भी चीज़ को, हमारे एक तरह के ट्रैंकुलाइजर्स, जितने भी हम लोग के माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब चीज़ों को बहुत ही रिलैक्स करने के लिए कैफीन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है. तभी तो हम लोग कॉफी कंज्यूम करते हैं सो दैट हम रिलैक्स हो सके, एनर्जेटिक हो सके. बट यस, ज़्यादा कैफीन कंज्यूम करना हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है. बट यस, कैफीन ये वर्ड जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जिसने बताया था, और उन्हीं का 225th बर्थडे आज है. और यस, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं बिकॉज साइंस को, बिकॉज वो खुद एक केमिस्ट थे और केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से थे, उनके लाइफ के हिस्ट्री को, बिकॉज आज गूगल ने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में ये गूगल का जो फ्रंट होता है उस पर इसे पब्लिश किया है. यस, वी आर वेरी हैप्पी. और फॉर मी इट्स अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज मुझे भी याद है जब मैंने एक रिसर्च में पार्ट लिया था तो उसमें मेरा टॉपिक यही था. तो यस, फॉर दैट यस, उनका नाम मैं बिल्कुल भी बहुत इज्जत के साथ लेना चाहूँगी. और यस, हम सबको उनका नाम पता होना चाहिए. दैट इज़ द फ्रेडलीफ डेमान रूलेफ. अगर मैं गलत हूँ तो सो सॉरी, मैं उनका नाम, बिकॉज एज वी ऑल नो, बिकॉज इंडियंस के और मेनली मेरे, मुझे टंग की प्रॉब्लम है. सो यस, अगर मैंने उनका नाम अच्छी तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया होगा तो यस, मैं अपने थंबनेल पर उनका नाम ज़रूर लिखना चाहूँगी. बट यस, द डे इज़ वेरी स्पेशल एंड यस फॉर अस, मुझे लगता है हम जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में हमें एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए. और अनफॉर्चुनेटली कैफीन जो वर्ड है और कैफीन हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, जब तक आपको उसका नाम ना पता हो, जब तक मदरवर्ल्ड का आपको नाम नहीं पता, तो फिर पूजा कौन है? दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यस, बट फॉर अस आई थिंक दैट इज़ अ वेरी स्पेशल डे. यस, हमारे उस डे के साथ साथ ये डे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो वंस हम सभी लोग एज वी, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो ज़रूर एक बार उन्हें याद करिए, उनकी उपलब्धियाँ और उनके अचीवमेंट्स को ज़रूर एक बार याद करिए. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ. और यस, रात को अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो मत पिए, क्योंकि अच्छा आपके हेल्थ के लिए नहीं होता है. मॉर्निंग में इट डिपेंड्स एवरी हर किसी की अपनी खुद की चॉइस होती है. यस, हैशटैग माई लाइफ माई चॉइस. बट यस, कैफीन को जिसने सबसे पहले इस वर्ड को जिसने हम सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था उस केमिस्ट की आज 225th बर्थडे है, तो हमें उन्हें विश करना तो बनता है. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मदर वर्ल्ड.